ही बहुत शुभ माना जाता है। वो बहुत ही ज्यादा प्रिटी था और इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया। और इसका प्राइस गेस कीजिए, आप लोग भी चौंक जाएंगे। Hey guys, तो अभी मैं करने वाली हूँ 500 रुपीज का चैलेंज। ये कोई फूड चैलेंज नहीं, ये है शॉपिंग चैलेंज। तो मैं 500 रुपीज के अंदर करने वाली हूँ शॉपिंग। तो चलिए जाते हैं सी बीच पे, जो भी मिलेगा, जो भी प्रोडक्ट होगा वहाँ पे, जो भी मेला लगा होगा वहाँ से मैं 500 रुपीज का प्रोडक्ट परचेज करूंगी। चलिए मेरे साथ। तो यहाँ से मेरा शॉपिंग चैलेंज का शुरुआत हुआ। कितना करके है ये? 40। तो पहले मैंने परचेज किया ये वाला संघ, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा यूनिक था और बड़ा भी था, और इसका मुझे प्राइस पड़ा 130। मेला इतना बड़ा था तो हम लोग बहुत कंफ्यूज हो गए थे कि कहाँ से परचेज करें। तो हम लोग गए ये वाला अंकल के दुकान में, लेकिन अंकल में भी दूसरे लड़कियों से इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे कि वो बात करने के लिए माने ही नहीं। कौन है ये लोग? और हम लोग फिर वहाँ से दूसरे दुकान में आ गए, और वहाँ पे हम लोगों ने पसंद किया ये वाला संघ का ही एक मतलब अगरबत्ती रखने का जगह, जो मम्मी को पसंद आया था और ये दिखने में भी बहुत प्यारा था। और वहाँ पे आपको संघ के बहुत सारी यूनिक चीजें भी मिल जाते। तो इसका प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज। मतलब यहाँ पे जो भी प्राइस रेट था वो बहुत ही जेन्युइन था। और कितना दाम? 50 तो वाला दाल लो। के बाद मुझे दिखा मिरर, और जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा प्रिटी था, और इसका प्राइस सुन के तो मेरा दिल ही खुश हो गया, क्योंकि ये स्टार्टिंग थे 50, 70, 130। तो मैंने 70 रुपीज़ वाला लिया, जो काफ़ी बड़ा था और हार्ट शेप का था। तो ये वाला मैंने लिया, और मम्मी से भी पूछा तो रेट भी जेन्युइन था, बार्गेनिंग करने का मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ा। तो ये वाला मुझे काफ़ी पसंद आया। और इसके बाद हम लोग गए एक बैग शॉप में, तो वहाँ पे वैरायटीज टाइप के बैग थे, लेकिन कोई उतना अच्छे से पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि किसी के जीपर ख़राब थे, तो किसी का कलर उतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो उतना कुछ खास नहीं लगा। तो यहाँ पे हम लोग प्राइस नहीं पूछे, पहले प्रोडक्ट ही पसंद नहीं आया तो अब क्या ही बताए। लेकिन जो भी हो, हम लोग इस दुकान पर कुछ नहीं खरीदे। फिर हम लोग जो दूसरा वाला दुकान गए ना, वहाँ पर जाके तो दिल ही खुश हो गया। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते। तो इस दुकान में बहुत ही छोटे छोटे चीज थे, लेकिन बहुत ही अच्छे थे। ये कितना रुपए? तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नॉइस भी हो रहे थे, और बैकग्राउंड पे म्यूज़िक भी बज रहे थे, तो कॉपीराइट के लिए मुझे साउंड ऑफ करना पड़ा। लेकिन जो प्राइस है ना, वो सुन के मैं बार बार पूछ रही थी कि इतना सस्ता। इसका कितना तुमने दी? 20 और इसका इसको भैया। तो यहाँ पे यार इतने सस्ते थे, मतलब सारे प्रोडक्ट 10 रुपीज, 20 रुपीज, 30 रुपीज और 40 रुपीज के अंदर थे। तो मैंने सारे प्रोडक्ट एक दो करके ले लिया। स्पेशली मैंने इयर रिंग्स लिया था, कुछ ईयर एक्सेसरीज लिया, एक छोटा सा मैंने वो की रिंग लिया। तो सारे प्रोडक्ट बहुत ही क्यूट थे, और एक ब्रेसलेट लिया ब्लू कलर का, जो बहुत ही सुंदर था। इसका प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 40 रुपीज। तो मैंने यहाँ पे टोटल 120 रुपीज का सामान लिया था। तो मैंने भैया को दिया 200 रुपीज, और उन्होंने मुझे रिटर्न दिया 80 रुपीज। तो यहाँ पे भी मुझे बार्गेनिंग करने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि सारे प्रोडक्ट 10, 20, 30 ऐसे ही थे। तो वहाँ पे मैं क्या ही बार्गेनिंग करती। मुझे यहाँ पे शॉपिंग करते हुए बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था, क्योंकि मुझे बहुत सारे चीज खरीदने मिल रहे थे बहुत ही कम रेट में। तो यार आप लोग चाह कहाँ रहे, चलिए जाते हैं नेक्स्ट शॉप पे। तो मैंने नेक्स्ट शॉप पे गया, और वहाँ से मैंने खरीदा जगन्नाथ जी का मूर्ति, क्योंकि यार पूरी आए हैं तो उनका मूर्ति लेना तो बनता ही है। बहुत ही प्रिटी सा था शंख के अंदर, जिसका पड़ा सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़। और उसके बाद हम लोग गए एक बैग की दुकान में, वहाँ पर बैग इतने ज़्यादा वेराइटीज़ के थे और बहुत ही सुंदर थे, और इसका प्राइस गेस कीजिए, आप लोग भी चौंक जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ का था। मतलब साइड बैग इसमें वर्क किया हुआ है। पहले मुझे एक दूसरा बैग पसंद आया था, लेकिन उसका थोड़ा फॉल्ट था, इसलिए मैंने ये वाला लिया। लेकिन ये भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और सिर्फ 50 रुपीज़ में यार। और इसके बाद मेरा पैसा ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला था, तो मुझे बैग शॉप में ऐसा लग रहा था कि मैं और 2-4 बैग उठा लूँ, लेकिन मेरे पास उतना बजट था नहीं। बस हवा निकल गई।
तो मैं गई दूसरी दुकान में और वहाँ पे मैंने लिया दिया। दिया का जो प्राइस था सिर्फ 10 रुपीस, और कुछ कड़ी लिए। कड़ी मतलब जो लक्ष्मी पूजा में लगते हैं, मुझे पता नहीं आप लोग इसे क्या बोलते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये चीज़ मैंने लिया, ये बहुत शुभ माना जाता है। तो 20 रुपीज़ का कड़ी और 10 रुपीज़ का दिया। तो मेरा शॉपिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया गया था, बहुत ही अच्छा। मेरा शॉपिंग का जो चैलेंज था वो कम्प्लीट हुआ। तो मैंने विद इन 500 रुपीज़ काफ़ी सारा सामान ले लिया था, छोटा बड़ा, और सारा ही चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। सो गाइस, अगर वीडियो को आप लोग थोड़ा सा भी इंजॉय किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब, और भी एक्साइटिंग वीडियोस आने वाले तो उसके लिए प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दीजिएगा। और आप लोगों को कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो भी कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।